पैदा हूं इसका उन्होंने परित्याग किया। जो खराबियां होती है मन में होती है ना, शरीर क्या है, तो साधन है, शरीर साधन है। अब जो खराबियां होती है, जो अच्छाइयां होती है, वो होती है मन में। मन ही जो कुछ करना कराने वाला है, करने वाला मन ही है। तो उन्होंने पहले परित्याग किया कि मैं राजा हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, सबका मैं मालिक हूं, इन सबका पहले उन्होंने परित्याग किया। और जहां सबका परित्याग हो गया, मन में कुछ बाकी नहीं रह गया, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। मन जब खाली हो जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मन जब एकदम खाली हो जाए तो समझ जाइए मुक्ति पाने में, मोक्ष पाने में फिर कोई देरी नहीं। अब मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, अगर ये मन में भाव है तो मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता ना। और जब पूर्ण रूप से सब कुछ खाली हो जाए तो भगवान को पाने में फिर कोई देरी नहीं लगता है। ये 48 मिनट में खटवांग नाम के राजा ने भगवान को प्राप्त कर लिया, परम गति प्राप्त कर लिया, सदगति प्राप्त कर लिया, भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। हे परीक्षित, तू धन्य है, सब कुछ का परित्याग करके, मोह मूल बहुसूर प्रभ, सब कुछ का तू परित्याग करके तो भगवान की शरण में चला आया है। भगवान बैठे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ जी कलकत्ता सुन रहे थे। भवे शील वदाम सृष्टि दक्षो दुहित वत्सल विद्वेषम करो अस्माम् नादात्मदाम् सदिं कस्तम चराज रघुनुम निर्वैरम सांद विग्रहम आत्मा रामम कथम दृष्टिम जगदुधीवतम महतम। बोलो मापति महादेव की जय। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। भगवान भोलेनाथ जी निर्वैरम, किसी के साथ उनकी कोई वैरता नहीं, निर्वैरम, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ऐसे निर्वैरम चराचर जगत गुरुम। भगवान राम, भगवान भोलेनाथ जी के लिए और कन्हैया जी के लिए, दोनों के लिए चराचर गुरु, दोनों के लिए। वसुदेव सुदम देवम कंस कारुण मरदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कन्हैया के लिए और भगवान भोलेनाथ जी के लिए भी चराचर गुरु निर्वैरम शांत विग्रहम। भगवान परम शांत है भोलेनाथ जी, वो तो शांत बैठे थे ना सभा में, वो भगवान का ध्यान में लगे थे, लेकिन ये तो अहंकार का चश्मा पहन के आए ना दक्ष जी। अहंकार का है, पद है, पावर है, कुर्सी है, रुपया है, पैसा है। भगवान इसी कारण वामन बन के गए तो तीन पाव मांगे ना बलि से, तीन पाव क्या है, तन मन धन, ये तो तीन पाव है। तन में देहाभिमान रहता है, मन नर्तकीय नाचने वाली है, तो मन जब तक शुद्ध ना हो, तन का देहाभिमान जब तक ना जाए, तन मन धन। और धन में सबसे बड़ा अहंकार है गुरु, तन मन धन, यही तो तीन पाव उन्होंने मांगा है, तन मन धन। भगवान भोलेनाथ जी भगवान के ध्यान में लगे हुए बैठे हुए, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा दक्ष जी को, कल की कथा आप सुन ही चुके हैं। और इस समय मेरे भाई और माताओं बहनों, बात कब बिगड़ी, जब मातेश्वरी सती मातेश्वरी जानकी का रूप धारण करके गई, तभी तो बात बिगड़ी। भगवान भोलेनाथ जी कि मेरी माँ का रूप धारण करके गई थी, अब इसे मैं पत्नी के रूप में मैं कैसे स्वीकार करूं। और भगवान 87,000 बरस के चुपचाप ध्यान में बैठ गए। और भगवान भोलेनाथ जी जब ध्यान खोले तो मातेश्वरी सती भगवान के पास आई प्रणाम की, तो भगवान उनको सामने में स्थान दिए ना कि बैठो सामने में। तभी मातेश्वरी सती समझ गई कि अब कुछ गड़बड़ है, अब तक वो नहीं समझ पा रही थी कि गड़बड़ को, जहां सामने में स्थान जैसे दी तब वो समझ गई कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसी समय मेरे भाई को माताओं बहनों, ये परीक्षित जी दक्ष जी महाराज कणखल क्षेत्र में एक यज्ञ करने जा रहे हैं, और यज्ञ क्यों करने जा रहे हैं, भोलेनाथ जी को अपमानित करने के। इस यज्ञ में मैं सबको निमंत्रण दूंगा, छोटे दामाद भोलेनाथ को नहीं बुलवाऊंगा।
और उनको अपमानित करने के लिए, उनका अवहेलना करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए वो यज्ञ करने जा रहे कंकर क्षेत्र में। निमंत्रण तो सबको भेजवा चुके हैं, सबको सबको है एक बार राधे राधे कहिए, जय जय श्री राधे। भगवान भोलेनाथ जी का को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ करने जा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, ककरो अपमान करे बर, तिरस्कार करे बर, अगर अपमान करिया, ककरो अपमान करे बर, ककरो तिरस्कार करे बर, अगर यज्ञ करिया, तो सामने वाला के का अपमान हो, अपने अपमान होते ना। गुरुजी, अगर हम सम्मान चाहते हैं कि हमारा लोग सम्मान करें, तो सामने वाला का हम सम्मान करेंगे तभी तो हमको सम्मान मिलेगा। सम्मान वही पाते जो न दूसरे के सम्मान करते, इज्जत वही पाई जो न दूसरे की इज्जत करी। हम अनान की इज्जत करन नहीं, हम समझते कि हमारी इज्जत सभी कोई करे, तो कतेक दिन ले सही आदमी बने। भाई मैं दो चार दिन करी नहीं इज्जत, अब बाद में धर धरा दे रहा दे। अगर जरा संसार में इज्जत पाना है, सम्मान पाना है, तो पहली सीखा है दूसर की इज्जत करे बर। वही संसार में इज्जत पाते जो दूसर की इज्जत करते। अब अपमान करे की कोशिश जो न करी, ओकर निश्चित रूप से एक न एक दिन अपमान जरूर होते। आज भोलेनाथ की अपमान करे बर एक बहुत सुंदर यज्ञ करे जा था भाई, सब निमंत्रण भिजवा दिए सब रे सब, लेकिन छोटे बेटी सती लेने होता नहीं भेजे। उसके बाद नारद जी आई, नारायण नारायण, तैयार नहीं होता दाई की काबर, तुहर मैके में जग बहुत है बड़का, तू कैसे तैयार नहीं होता कि मैं तो नहीं कम पात हूँ कि भोलेनाथ कबू जाना थो, भोलेनाथ कराई पाँव परी कि जल्दी तैयार हुआ ना, तो काबर मैके जाना है, वहाँ बहुत बड़का यज्ञ कर रहे थे मोर पिताजी है। भोलेनाथ के न्योता पाए हैं, कि न्योता तो नहीं आए हैं, कि न्योता नहीं आए थे, बिना न्योता के कैसे जावे सची, तो काहू इस कहीं भुला की नहीं जल्दी बाजू में। अरे बाप बेटी थोड़े भुला ही न्योता दे, अब भुला ही नहीं है माने भुला गए माने वो छोड़ दे, कब छोड़ ही जब कुछ बात के अनपन हो जाएगी। ओकरे कारण बड़ा सुंदर भाव है भगवान भोलेनाथ जी, वो बात लगे थे आज बताई, 87,000 साल बीत गए कि तो बाप संग मोर नहीं बना थे, ये बात अभी तक नहीं बता रहे, यदि अभी बताई सती कहीं न्योता नहीं आए हैं तब हो जाए पर ही भोलेनाथ के सुख में बिना न्योता के काकर काकर घर नहीं जाना चाहिए। ये बात बड़ा सुंदर गोसाई जी महाराज लिखे, चलिए सुनिए सब लोग मिलके, जय जय श्री Thank you.
नहीं देखा हर जतन बहो राही न दक्ष कुमार दिए मुख्य गर संग तब विदा किन त्रिपुरारी। उमापति महादेव की भगवान भोलेनाथ बहुत समझा रहा कि कहे उन्हीं का मोरियो मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत बठावा। तो अभी तक नहीं बताया रहे मैं सती तो पिताजी संग मोर थोड़ा मन हो गए तय तो जाना था कि निर्वैरम शांत विग्रह ककरो संग मोर कोई झमेले नहीं है झगड़े नहीं है दुश्मनिये नहीं है लेकिन आपके पिताजी अहंकार के कारण मोर बहुत अपमान करी लेकिन मैं कुछ नहीं कह रही आज ओकरे बदला रहे पर यज्ञ करत है और यज्ञ मने होता तो सब लदे लेकिन मोर से तीन तोला ने होता नहीं दे कहे उन्हीं का मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत बठा अरे उनकर मोर नहीं बनाते तो जान बनाए लेकिन तोला तो चिट्ठी दे दे रहती तय खाई बिगाड़े हस ये बड़ा गलत करी के इंदुर पिताजी ब्रह्म सभा हम सन दुख माना अत ही ते अजह कर यही अपमाना ओ ब्रह्म सभा के झगड़ा है जेकर से की राज अपमान करी हवे दक्ष सकल निज सुता बुलाई और हमारे बयर तुम्हू भी सराई सब बेटी मल निमंत्रण दे हमें सब ला सब ला लेकिन मोर सती तो भुला गए तो पिताजी जो भी न बोले जाओ भवानी रहे न सील सुने हन कानी। बड़ा सुंदर भाव लिखिए गुरु जी कि कभो ककरो करा जो भी न बोले जाए भवानी बिना न्योता के जाए मा इन काकर काकर घर नीचे लिखे जब मित्र गुरु पितु गुरु गया पिता के घर में अगर अनबन हो गए कुछ बात न लेके तो बिना न्योता के बेटी मल जाना नहीं चाहिए दमांद कर नहीं बना थे तो तुम्हार कर नहीं बना थे तू घर में रह मोर संग तो बंद थे मैं जात हूँ ये पति का अपमान है ना यही कथा है ये दमांद के साथ नहीं बन रहा है आपके पति के साथ नहीं बन रहा है तो पति को छोड़ के आप चली जाओगे क्या आते आते ये सुख की बात है बिल्कुल पिता के घर बेटी मल जाना नहीं चाहिए महाप्रसाद के घर मित्र के घर में जिक्र कर तुम्हारे महाप्रसाद बदे है बेटा के छठी कर थे न्योता नहीं आई भुलाए नहीं है ना वह छोड़ दे कुछ बात कर ले के फर्क पड़ गए ओकरे कारण हो न्योता नहीं दे तो ओकरो घर भी महाप्रसाद के घर पर भी नहीं जाना चाहिए बिना निमंत्रण के सुख में गुरु महाराज के घर गुरु महाराज न्योता नहीं दिन बेटा के ब्याह कर थे बारात जाना है न्योता नहीं दिन नहीं पूछे तो चेला ल चाहिए अब वो गुरु महाराज मन मनु है जो एक करोड़ चेला है तेकर राधे राधे कहो जिनको खुद ही मालूम नहीं है कि मेरा शिष्य है कि नहीं है तो मेरे भाई माताओं मानो गुरु के घर में भी लिखा है सभी गुरु के लिए बात है तो और गुरु महाराज चेला लोला ही कैसे वही उसका खास है सभी चेला खास होते हैं ना गुरु जी के लिए अगर गुरु भी पक्षपात करता है तो गुरु को नरक जाना पड़ेगा राधे राधे कहो जय जय श्री राधे उसमें कहेगा छोटा बड़ा तुलसी पत्र में कहेगा छोटा कहेगा बड़ा चला चला है जैसा भी हो कुछ रहते हैं कृपा पात्र विशेष लेकिन कपट नहीं गुरु को भी कपट नहीं करनी चाहिए चला जैसा भी हो अमीर रहे गरीब रहे जैसा भी चला चला है अगर गुरु महाराज ने निमंत्रण नहीं दिया तो आप समझ जाइए आपको छोड़ दिया है सुख में। और अंत में लिखते हैं बाबा जद्यपि मित्र प्रभु भगवान के घर में भी लिखा है ना जैसे भागवत होते प्राइवेट गांव भले न्योता नहीं दे गांव भले न्योता दे एक झलक नहीं दे काबर होकर सब होकर नहीं बना दे संग मांग के चलने का कथा सुनी मुरा तो न्योता नहीं दे अरे का हो चलना भगवान के जगह पे मान लो आ गया हो और जो भागवत करवा दे जगह नजर पर के कहो तो कौन बला है राधे राधे कहो एक बार अरे बलाये बरती तो न्योता में देहज रहते तो ला तो इसी कारण से गुरु महाराज के घर में पिता के घर में गुरु महाराज के घर में पिता के घर में मित्र के घर में और भगवान के भी घर में लिखा है यहाँ
रामचरितमानस में जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गया जायु बिनु बोले न संदेहा। बिना बोले बिना न्योता के जाय मां अपमान होते सती, बिल्कुल जानना ही गई। बुला गए हमर पिताजी, मैं तो जहां तू जइया तबो मैं जहा और नहीं जहा तबो जा, यही पर दिक्कत होती है ना। आप जाओगे तब भी मैं जाऊंगी और नहीं जाओगे तब भी जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। बात अनेक शंभु समझावा बावी बसन ज्ञान उरावा। भगवान भोलेनाथ बहुत समझाइन बहुत समझाइन बहुत समझाइन, लेकिन हे उमा भगवान भोलेनाथ कथा सुना थे पार्वती जिला कि उमा रार जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। जन करते सब ऊपर वाला करते, मैं बहुत समझाए उमा सती लेकिन मानी नहीं। बहुत समझाए बहुत समझाए भावी बसन न ज्ञान उरावा। तो कहीं देखा रजगन बहु अरइन दक्ष कुमारी अधिये मुख्य गण संगत अभिदा किन त्रिपुरारी। भगवान समझ में अबे रहने वाला नहीं है, एक जाए के समय हो गए। भगवान सब बात ला जब जानी तो नंदी महाराज ने कहीं कुछ गणमल्ला संग में ले जा और इनकर मैके तैला पहुंचा दे। पिता भवन जब गई भवानी अदत्त त्रास का हो न शनमानी। जैसे ही पिता के घर में पहुंची ने मातेश्वरी सती, कोई सम्मान नहीं करे थे, कोई आओ भगत नहीं करे थे, कोई बैठ नहीं करे थे, कोनो को ठ्याप तक नहीं है। सादर भले ही मिले ही कमाता भगन मिली बहुत मुसुखाता। माता तो मिली ना, माता जी मिली, हाल चाल पूछे, लेकिन बहने मन ऐसे हाथ लहावा ऊपर चले। ये सब बात ला देखा था भाई, सब बात ला मन मोकर समझ आवत नहीं है। दक्ष ने कुछ पूछे कुशला था, दक्ष महाराज कुछ भी नहीं करी बेटी ला का हाल चाल है कैसे है सब प्रकार सब देखी। फिर यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में जब गए हम तो जा करके सती जाए देखे जग जा जब जागा कतहुं न देख शंभ कर भागा। जैसे ही यज्ञशाला में गई सब बड़े वेदी बने लेकिन भोलेनाथ के कोई जगह नहीं। ये सब बात ला देखे तब भोलेनाथ जी के बात की सुरता करी कि मैं अगर आज नहीं आए रहते तो मोर पति के अपमान आज मैं देखे नहीं पाए रहते। समझाए मैं समझ में नहीं करे आज मेरे पति के अपमान हो गए, उनकर में कोई जगह नहीं है। अब मैं जी के का करी हूँ, जे मेरे पति के अपमान हो थे वो मेरे मोला जिए की कोई अधिकार नहीं है। जद्य भी जगदारुण दुख नाना असब से कठिन जाती अपमान। संसार में कहीं एक से एक बड़े से बड़े दुख है, जद्य भी जगदारुण दुख नाना असब से कठिन जाती अपमान। सबसे बड़े होते कि जाति की अपमान। संसार में तो बड़े से बड़े दुख है गुरुजी, लेकिन जाति के जे मेरे अपमान होते वो कल ने बड़खा अपमान दुनिया में कहीं नहीं नहीं। अब जाति में काला काला रहे कहीं पति ल, जे मेरे पति के अपमान हो मेरे पत्नी ल बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। लेकिन एक भाव और है कि जहाँ पत्नी का भी अपमान होता हो वहां पति को भी जाना नहीं चाहिए। अब एक तरफा कहीं वो तो बने नहीं लागत थे ना गुरु जी, एक तरफा में नहीं बने तो कल दोनों बैलेंस बनाए बपरी। जो मेरे पत्नी के अपमान ही हो मेरे पति भी ले नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो भाव है जहाँ पति का अपमान होता हो पत्नी को जाना नहीं चाहिए। अब सती चली गई, सती चली गई ना, जा करके देखी कि पति के लिए कोई आसन नहीं, कोई जगह नहीं, कोई वेदी नहीं है, यज्ञ में उनको कोई भाग नहीं है। अब दूसरा माता पिता, पहला पति और दूसरा माता पिता। माता पिता के देखिए जिसके कारण आज हम हैं, कतको बड़खा बन जावो गुरुजी लेकिन अपन बाप के बाप बनी नहीं सकन ना, बाप के बेटे चले गए। चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन गया हो मोदी जी, अपने बाप के बाप तो नहीं हो सकते ना, बाप के बेटे ही रही रहे। बाप का बेटा कोई नहीं हो सकता, बेटा अपने बाप का बाप कभी नहीं हो सकता है, बाप को जीवन में बेटा ही रहेगा चाहे कितनों भी बड़ा हो जाए। तो माता पिता का अपमान रहा। पुंडरीक महाराज जी रोज जाया करते हैं, रोज बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए रोज पुंडरीक जी महाराज रोज, आज नहीं गए।
भगवान कन्हैया कहे ये पुंडरिक मुझे रोज दर्शन देने के लिए आता था। सुनिए, पुंडरिक तो दर्शन करने के लिए जाता था ना, लेकिन भगवान ने विचार किया आज मुझे दर्शन देने के लिए क्यों नहीं आया पुंडरिक। भगवान बांके बिहारी के मंदिर से निकल के स्वयं पहुंच गए पुंडरिक के। कहा हो पुंडरिक? ओ पुंडरिक कहा हो? कह आप कौन है? अरे मैं कन्हैया हूँ, आज तू आया नहीं तो मैं बेचैन हो गया तुझे देखे बगैर, तो तेरे दर्शन के लिए मैं चला आया हूँ, निकल बाहर। के रुकिए महाराज, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, पिताजी का पांव तो दबा चुका हूँ मैं, उनको नींद आ गई है, लेकिन मेरी माँ अभी सोई नहीं है और बुखार है उसको, उसकी भी सेवा कर रहा हूँ। और खिड़की से एक ईटा को उन्होंने फेंका कि आंगन में कीचड़ है महाराज, आप इसी में खड़े रहे। और पानी हल्की हल्की बरस रही थी, हल्की हल्की, आंगन में कीचड़ थी जिससे उन्होंने ईटा को फेंका, भगवान उसी में खड़े हो गए। और माँ को जब नींद आ गई तब पुंडरिक जी मिले, तब पुंडरिक भगवान मेरे घर आ। कि पुंडरिक जो माता पिता की सेवा करते हैं ना, उनके दर्शन के लिए तो मैं खुद ही तरसते रहता हूँ, उन्हें दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, उसका तो दर्शन करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ, स्वयं। अब जिसने माता पिता का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, अवहेलना कर दिया, तो समझ जाइए ना यहाँ के लिए उसका जगह है ना वहां के लिए जगह है। जिसका लोक बनता है उसी का परलोक बनता है। मेरे भाइयों माताओं मानो, भगवान ईंट में खड़े थे एक पांव से, इस कारण से भगवान के एक नाम विट्ठल हुआ और आगे चल करके वही विट्ठल हो गए। बोलो विट्ठल भगवान की, बोलो विट्ठल भगवान की। सर्व तीर्थ मई माता सर्व देवो पिता, माता पिता का अपमान कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत जगह माताओं को मैं देखता हूँ, माताएं मेरे पास आती हैं, कहीं की जाते रहता हूँ मैं भागवत जी, महाराज मोर भैया भौजी मन मोर दाई ददल अलग कर दे। बहुत ध्यान से सुनिए, ये माताओं के लिए है। माताएं मुझसे कहती हैं कि मेरे भैया भाभी मेरी माता पिता को अलग कर दे। फोन कर देता ना तुम्हार तो हूं मन चेला है, संग में राख लेती मोर दाई ददल। तो मैं पूछे गुरु जी होता है तोर सास ससुर ला, हे महाराज वो तो बिहार हो के आए तब के मैं वो अलग कर दे। तो सास ससुर अलग कर दे है, तो भौजी अपन सास ससुर अलग कर दे है, तो काबर बात बस समझ रही है ना। मैं के पहले तय मिला तो दाई तो सास ससुर, फिर मुझे एक फोन लागी तो मजबूरी में अपन सास ससुर राखी, तो राखे में देरी नहीं है, राधे राधे कहो। आपके माता पिता को कोई कष्ट होता है तो आप व्याकुल हो जाती है, जबकि आप अपने सास ससुर के ऊपर वही कर रही है ना। पहले आप अपना देखिए ना, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अरे बाबा उपदेश करना तो बड़ा सरल है, लेकिन उसको निभाना बड़ा कठिन है। कुंटल भर उपदेश करने के बजाय रत्ती भर जीवन में अगर अमल कर ले तो जीवन बन जाएगा। माता पिता का अपमान, लेकिन एक चीज है गुरु जी, हमारे दाई मन अपन माता पिता के ये बुराई कभी नहीं सुन सकते। हमारे घर में रही तो रोज लंका कांड लहेरे रहे, तोर दाई दल ए खबरदार मोर दाई दल कही था राधे राधे कहो एक बार, समझ लो ये बहुत बढ़िया है। इसीलिए तो इनका मैं ख्याल रहता हूँ माताओं का, ये बहुत बढ़िया है। अब उनकर दाई दादा के बारे में कहो तो हम फिर समझा तो तलवारें निकल जाए। अब तुम्हारे दाई दादा के रोज पानी में पुरखा जितोत, पुरखा में पानी जितोत रहे, समझ रहे हो? ये सबके लिए है ना, ध्यान करिएगा इसको। आप अपनी माता पिता की बुराई नहीं सह सकते तो यहां जहां आई वो उनकी बुराई क्यों करती है? तो माता पिता का अपमान कभी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। पिता का अपमान ऐसे गुरु का अपमान, गुरु की निंदा ना करे ना निंदा सुने। अच्छा है जात अपमाना, अपन अपन जात पर अपन सब बड़खान गुरु जी, कोई छोटे नहीं हुए ना। अरे छोटा तो उसका कर्म होता है, कर्म बिगड़ गया तो बावन नहीं साधु थे कुछ भी रहे, कर्म बिगड़ गया तो उससे कोई छोटा नहीं है, और कर्म बन गया तो रैदास जी को भी लोग याद करते हैं। ब्राह्मण उनसे शिक्षा लेने के लिए जाते थे, उनसे सत्संग करने के लिए जाते थे। रैदास जो चमड़े का जूता सिला, उनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ब्राह्मण साधु जाया करते थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का।
हमन जौन जात के हैं वो जात अपन अपन में सब बड़का है, कोई कब जात छूटे नहीं हुए, कर्म बड़ा होता है मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों। अपन जात के जन बुराई करे, जन बुराई सुने, अगर आप अघरिया है, ब्राह्मण है, कोई साहू है, कोई राठौर है, कोई यादव है, अपने अपने जात में सब लोग बड़े हैं। लेकिन आज ये बिल्कुल मैं एक दो चीजों के लिए बड़ा चिढ़ता हूँ, सामने में रही ना, अब साहू जी आओ, आओ साहू आए मेले निकली को आएगा तेली तो जन्म वाला खजाना मिल गए। अभी साहू बोल रहे थे एकदम तेली में उतर गए, क्या मिलता है बोलो। अभी गुरु महाराज गोल धोके पिया को वो हरदी के बाबू हम तो आ रही सो रमा कहा अतका बेले महाराज जी के महिल तक लोग धोके पिया गया अल्लाह उठे नहीं पाया कौन आया इसका कारण वो हरदी के बामान तो राधे राधे कहो ही। माने इतना लोगों में ये छोटापन आ गया है, उनकी सोच पता नहीं कहाँ से आ गई। अब मैं कहता हूँ, मैं अगर आपको सामने में अगर सांडिल जी, अघरिया जी, पटेल जी, कश्यप जी, मैं कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता गुरु जी जीवन में। साहू माने साहू, राठौर माने राठौर, यादव माने यादव जी, पटेल जी मतलब पटेल जी। मैं कभी निरादर के साथ किसी के जाति के बारे में कभी नहीं बोलता। अब मेरे सामने अगर कोई बोल दिया तो समझिए फिर उसका राधे राधे होने में कोई देरी नहीं, मैं बाजा बजा देता हूँ। भाई क्यों किसी के जाति का अपमान करने का किसको अधिकार है? ऐसा थोड़ी है कि भारत स्वतंत्र हो गया है तो आप एकदम स्वतंत्र हो गए हो, जहाँ पाओ वही, जिसकी पाओ उसकी अपमान कर दो। कभी भी जीवन में अपने जाति का अपमान तो किसी को नहीं सहनी चाहिए, किसी को नहीं, सबके लिए बराबर है। पति का अपमान, गुरु का अपमान, माता पिता का अपमान, जाति अपमाना। मातेश्वरी सती ने विचार किया, मेरा पति का अपमान, अब मैं जी के क्या करूंगे, मैं जी के क्या करूंगे, चल बैठ जाइए। अरे मेरे भाइयों माताओं बहनो, मातेश्वरी जब विचार करती है, भगवान भोलेनाथ जी का जैसे ध्यान कर ही रही थी, भगवान राम जी वही प्रकट हो गए। देखिए भगवान राम जी प्रकट हो गए, मातेश्वरी देख रही है, मातेश्वरी भगवान जी को प्रणाम करती है कि जाने से पहले कुछ मांग ले ना, कि भगवान जब भी जन्म पाऊं भोलेनाथ जी को ही पति के रूप में मैं पाऊं। और के दूसरा बाप यही चाहिए तुमको, ऐसा बाप नहीं चाहिए कि बेटी के बाप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं होनी चाहिए। राधे राधे कहो एक बार, जय जय श्री राधे। बेटी का बाप अगर ज्यादा बुद्धिमान हो गया तो सती जैसे जीवन में कष्ट आने से रोक नहीं सकता है, दक्ष मतलब बुद्धि होती है, तो क्या बाप यही चाहिए? ये ऐसा बाप ज्यादा बुद्धि वाला बाप नहीं चाहिए, भले वो बाप मेरे पत्थर का हो, भगवान के पत्थर का क्या, पहाड़ के ही बेटी बना के भेजूंगा तुझको, जय जय श्री। बेटी के बाप को ज्यादा बुद्धिमान होना नहीं चाहिए, बेटी के बाप, बेटी की माँ, अगर कहीं माँ के लिए तो नहीं लिखा है, बाप के लिए लिखा है, क्योंकि दक्ष की जी की कथा है, बेटी के बाप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं होनी चाहिए। कथन हम बेटी के बाप पर हमला तो झुक के रहे पर परी, सभी कथन संसार के नियम है, हा मन झुको का वो दमान करा तो फिर बिगड़े में कोई देरी नहीं। समझ रहा, बेटी के बाप हमेशा कहते रहता है मैं बेटी के बाप हूँ, मोड़ झुके बर परी, वो मोर तमाम है, वह जौन करी हम सही वो काबर सही वो तो बिगड़े में कोई देरी नहीं। बेटी के बाप को हमेशा विनम्र होनी चाहिए, नम्र होनी चाहिए, और सभी बेटी के बाप है दुनिया में, ऐसा थोड़ी है, सभी तो है ना, सभी के लिए है ये कथा, सब के लिए सार्वजनिक है, सब बेटी के बाप है। तो बाप भले ही पत्थर का हो जाए लेकिन ज्यादा बुद्धि वाला बाप मुझको नहीं चाहिए। और मातेश्वरी पीला वस्त्र धारण करके माँ जानकी जी का ध्यान करती है, और इस समय जानकी जी कहाँ है, वनवास काल की कथा है, जानकी जी तो अग्नि में है ना, कि हे जानकी जी, हे माँ सीता, मैं आप गर्भ धारण करके गई थी, इसी कारण ये सब हो रहा है, मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए, आपसे मिलने के लिए मैं अब अग्नि में आ रहा हूँ, और वही अग्नि जल रही है ना कुंड में, तो मातेश्वरी भगवान का ध्यान करती, भगवान भोलेनाथ जी का, और वही अग्नि कुंड में चली गई, क्यों, जानकी जी से भेंट करने के लिए। जय जय श्री राधे, हाहाकार मच गया, नंदीश्वर महाराज जी यज्ञ को विध्वंस करते हैं, लेकिन यज्ञ पूर्ण रूप से विध्वंस नहीं हो पाया है, और नंदीश्वर महाराज भागते दौड़ते हांपते कांपते रोते चिल्लाते भगवान की शरण में आए भोलेनाथ जी की, कि भगवान मातेश्वरी सती आग में जल रही हैं। भोलेनाथ जी तो सब जानते हैं ना,
भगवान को सब मालूम है। और उस समय बाल से जटा से बाल नीचे पटके तो वीरभद्र नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। क्या करूं भगवान, कह जाओ तो यज्ञ को विध्वंस कर। तो मणिमान है भगवान के और अन्य गण है नंदीश्वर वगैरह सब मिल करके और एक गौशाला में पहुंचे। सबसे पहले दक्ष के बालों को वीरभद्र जी पकड़े और पकड़ करके सिर को काटे और काट करके यज्ञ कुंड में किसी के हाथ किसी के पांव किसी की दाढ़ी किसी के मोच एक लाइन से सबका संहार करते हुए यज्ञ यहीं पर विध्वंस हो गया है। हाहाकार मच गई चारों तरफ, यज्ञ विध्वंस हो गया चारों तरफ हाहाकार मच गई चारों तरफ। ऐसे लगने लगा जैसे प्रलय न हो जाए, भगवान भोलेनाथ जी के क्रोधाग्नि में जल करके ये संसार कहीं भस्म न हो जाए। और सब त्राही त्राही करने लगे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान नारायण जी के शरण में गए और भगवान नारायण की सबोनी शुद्धि की है। प्रमोघम निर्गाजम नरसिंहम दैत्य सोदनम ऋषिकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायकम गुणत्रयम् गुणातीतम् गोविंदम् कर्णोद्भुजम् जनार्दनम् जनातीतम् जानकीवल्लभम् हरिम्। भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान यज्ञ करना है सबको मालूम है। सब मिलकर के गुरुजी अब ठीक भोलेनाथ जी के शरण में आए हैं और भोलेनाथ जी की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। भोलेनाथ जी के क्रोध को शांत कराने के लिए सब मिलकर के स्तुति कर रहे हैं। चलिए हम लोग भी स्तुति करते हैं। जय जय श्री राधे। सुनिए अब दूसरे पत्नी का नाम है सोरू जी, जो अपने मन की मालकिन हो। गलत भी जिसको अच्छा लगे, दुनिया भर गलत रहे सब पर गलत है लेकिन मोर बतो सही है, कोई सुरु है। और बेटा उत्तम का बेटा ध्रुव है लेकिन सुरुचि को विवाह करके ले रहे इनको एक पुत्र हुआ। सुरुचि से विवाह कर ही नहीं है जब से इनको विवाह करके लाए सामने वाले महल में के गौतव के लिए रहना। तो ध्रुव को साथ में लेकर के और सुरुचि सामने वाले राजमहल में रह रही थी। सुरुचि महाराज सुरुचि के साथ महाराज जी रह रहे थे। अभी इनको संतान हुआ नहीं है। एक दिन बहुत से महात्माओं का वहां आगमन हुआ है। साधु हम जिसे पाते हैं साधु बोलते हैं ना गुरु जी। साधु में क्या है, सिंहों की नहीं लेड़े हंसों की नहीं पात लालों की नहीं बोरियां साधु चले ना जब। साधु अकेला विचरण करता है ना एकांत वासा झगड़ा ना जहां। जो साधु रहेगा जो साधक रहेगा वो एकांत रहेगा। दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा में आती है एकांत वासा झगड़ा ना जहां। साधु साधक हो या अकेला रहेगा लेकिन हम तो आज सभी को साधु खड़े बोलते हो। उनके स्वरूप को देख करके हम उनको साधु मान ले। सिंहों के नहीं लेने खैरखा के खैरखा खैरखा समझे तो ना। एक खैरखा को भगवा देखे सिंहों के नहीं लेने हंसों की नहीं पाव 1000-2001 के संग हंस मन लोड़ याद नहीं देखा। लालों की नहीं बोरियां लाला मतलब होता है हीरा। एक ट्रक फलाना सेठ मंगवाई हीरा को नहीं सुनी आज तक। लालों की नहीं बोरियां और साधु चले ना जहां। दल बल से ही साधु नहीं चले ओरिजिनल साधु के काम बासा झगड़ा ना जहां। अकेला विचरण करने वाला लेकिन यहां बहुत से महात्माओं का आगमन हुआ। बहुत से महात्माओं का आगमन हुआ उसी गेट को खटखटवाते ही जहां ये सुनीति रही है। सुनीति निकली महात्माओं को प्रणाम करती है अंदर लेगी पाव धोती है तिलक लगाती है कुछ फलाहार वगैरह देती है। ये भी प्रसन्न हो गए ये बेटिया को वरदान मांगना। वरदान क्या मांगे मेरे सौंत को एक बेटा हो। ये है सुनीति मेरे सौंत को एक बेटा दे दो ना। मेरा जैसा बेटा है मेरा जैसा पुत्र है वैसा पुत्र मेरे सौंत को दे दो धन्य है तू। और आगे चल करके इन्हीं के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम उत्तम। ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए। मैया से उन्होंने पूछा ध्रुव जी तो पिताजी के साथ क्यों नहीं रहती है अकेले क्यों रहती है। तो उन्होंने क्या कही पूर्व जन्म का मेरा कोई पाप बच गया रहा होगा ध्रुव इसी कारण पति से मुझे अलग रहना पड़ा। ये दोष ये नहीं बताई कि तेरे पिता मुझको पसंद नहीं करती है कि जब से नहीं विवाह करके ले आए मुझे ऐसा नहीं। मेरा खुद का अपना पाप है स्वकीय नहीं वो दोषी। मैं किसको दोष दूं दोस्तों मेरा है ना।
जो पूर्व जन्म में कुछ न कुछ पाप बच गया रहा होगा, जिसके कारण आज मुझे पति से अलग रहना पड़ रहा है। देखिए ये सुनिए कि भाई पिताजी से मिलने जाओ के जा, लेकिन प्रणाम जरूर करना, इधर उधर मत करना, प्रणाम करना, मुलाकात करके आ जा। अब दूसरी जी के पिताजी देखे बगल में पत्नी बैठी है सूर्य जी, उनका जो नन्हा सा बालक उत्तम वही खेल रहा है। ध्रुव जी को आते हुए उन्होंने देखा कि आओ आओ पुत्र आओ आओ, ध्रुव जैसे ही गला से लगाना चाहे और लगा के जैसे गोद में बिठाना चाहे सूर्य जी के नीचे उधर उधर भेजे, तो इसमें नहीं बैठ सकता। आज साल का बालक क्या बोलेगा, जो उधर ये सुन, अगर इस गोद में बैठना है ना तो तू बन जा, तपस्या करेगा। बन जा के मतलब बन क्यों गए भगवान राम जी, बन न गए होते तो बन के राम जी वो भी हो जाते, लेकिन राम जी बन गए तो बन गए। फिर आज राम जी मानस को सब लोग गाकर अपने जीवन में उतार रहे, बन गए ना राम जी, बन गए तो बन गया, तुझे बन जाना बड़े 5 साल के बालक को, और बन जाना भगवान की तपस्या करना। अब भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, अब मेरे गर्भ से जब तू आएगा तो अब इस गोदी पर तो गद्दी पर तू बैठेगा। चल कर को एक दिन अभी नन्हा सा 5 साल का बालक है, रोता हुआ मैया के पास गया। मैया ने पूछी क्या हुआ, इसी सब बात को बता दी। ध्रुव जी महाराज बता देते कि ठीक बोल रही है तेरी माँ। भागवत जी में इनको विमाता कहा गया है, मौसी राय को विमाता, ये तेरी विमाता ठीक बोल रही है, तुझे बन तो जाना पड़ेगा, माँ का आदेश है ना। पिता से 1000 गुना बड़ा दर्जा माँ का होता है, पिता से 1000 गुना बड़ा दर्जा माँ का। सुमन जी जब ले गए भगवान राम जी को, महाराज दशरथ जी ने कहा जाना जंगल में घुमा करके लौटा के ले। जब लौटाने लगे तो कहा ले जा रहे हो, कि पिता का आदेश है कि घुमा करके वापस ले आना। कह रुके सुमन जी रुकी, पिता ने वापस आने के लिए बोला है ना, लेकिन माँ का आदेश है बन जाने का। अगर पिताजी बन जाने का आदेश किए होते अब माँ वापस बुलाती तो मैं वापस चला जाता, लेकिन आदेश माँ का है जाने का और आने का आदेश पिता का है। इस कारण से नहीं, पिता से 1000 गुना बड़ा दर्जा माँ का होगा, मुझे तो बन जाना ही पड़ेगा। फिर चले के भगवान राम जी, अरे उन्होंने कहा माँ का आदेश से तुझे बन तो जाना ही पड़ेगा, तुझा आशीर्वाद ले किया गए, पिताजी को प्रणाम की, विमाता मौसी राय को उन्होंने प्रणाम किया, मन तो थोड़ा गदगद हुआ, उनका भी प्रणाम जब इन्होंने किया, पिताजी ने कहा क्यों प्रणाम कर रहा है, कि माँ तो बन जाने के लिए कह रही है, तू नाराज हो गया कहे, तुझे ऐसे नहीं कहे, माँ का आदेश से मुझे बन तो जाना ही पड़ेगा। और ध्रुव जी आए अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, मैया खूब रोई खूब रोई, 5 साल के बालक को हम दुकान नहीं भेजते हैं, अरे माँ तो जंगल भेज रही है, तुझे बन जाना पड़ेगा। के बन किधर है, के मुझे मालूम नहीं है, मैं तो रानी हूं, मैं क्या जानूंगा, वहां जाऊंगा तो क्या करूंगा, क्या मैं कुछ नहीं जानता, के कुछ मंत्र वगैरह बता ना, अरे के मुझे कहां मालूम है कौन सा मंत्र जपना है, तुझे बन जाना है, बन जाओगे तो हो सकता है भगवान की कृपा हुई तो नारद जी तुझे रास्ते में जरूर मिलेंगे, और नारद जी अगर मिल गए तो भगवान को मिलने में कोई देरी। 5 साल के बालक को भेजे, बस माँ खूब रो रही है, अभी कुछ ही दूर गए 5 साल का बालक है, नारद जी आ गए, नारायण नारायण कहाँ जा रहा है, बन क्यों, माँ का आदेश है कि तू तो राजकुमार है ना, क्या तुझे तो खेलने खाने का दिन है, तू कहाँ जाएगा, चल कि नहीं मुझे बन जाना है, आप कौन है कि मैं तो नहीं नारद नहीं हो सकती आप, उन्होंने कहा मैं नारद हूं कि आप हो ही नहीं सकते नारद, मेरी माँ तो कही है कि नारद जी मिल गए तो भगवान मिल गए, और आप मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब आप नारद नहीं हो, अरे कि नहीं बालक मैं ही नारद हूं, तो बताओ ना भगवान कैसे मिलेंगे, कि दीक्षा लिया है कि नहीं, तो कैसे जपेगा मंत्र, जब तक आप दीक्षित नहीं है आपको मंत्र जपने का अधिकार नहीं, जब तक सब ही है सर, यज्ञ में बैठने से पहले हम पूछते हैं, फिर एक दिन कथा हुई कड़ेना में, हमन तो चढ़ाए बढ़ रही भगवान महाराज डबका थे खेला लाना, पंडित कचरे लाम देरी हो थे, भगवान की जीप जरा के हाथ हमला खा कर
अरे हमारे कति को गणेश पूजा में राधे अब हमारे कति जान थो दिले बताओ सब रहे वो गणेश जी बैठे हो फुरका प्रसाद धर के जाए ओकरे पर छींचा करे ऐसे रात भर थोड़ा चाटी चाबक रहे राम उसके जितने बहुत से लोग बड़ा भाव है खाए में बैठे और भाषा में कब ऊपर में छींचे तो भले लागे तो गणेश जी बखाओ छींचा करे भागवत महागे लाइची दाना मोर मन से मैं छिचत रहे चाटी मोला बलाए लेके का कर था ताई तो प्रसाद चढ़ा तो तुहर ऊपर महाराज रोहगढ़ जी ने कहा टे कट्टे मोटे तगड़े पृथ्वी के भार
इतना हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है, तुझे चलना भी ठीक ढंग से नहीं आ रहा है, तो भार है पृथ्वी का बोझा है। तब आज तक कभी ये बोले नहीं थी, आज बोले जड़ भर जी। तयोदिदं व्यक्तं विप्रलवनं भरतु समी स्वाद दिवेन भार गंधर यदि स्वाद युम्न मद्वा विविध राशो नविदाहं प्रवाद। तयोदिदं व्यक्तं विप्रलवनं भरतु समी स्वाद दिवेन भार। आपने ठीक कहा है महाराज, ये भार ढोने के लिए ही तो बना है। बोझा काबर करते हैं बोले संत नहीं जी, वो अकेले थे के काले बोझा, लेकिन बोझा मैनो हो ना, बोझा तो तू हर जेला वो हो की लीजर था। बोझा मैं नहीं, बोझा वो भार ढोने के लिए बना है, भार ढोने के लिए बना है। एक बार आलू लाना है कल तरह से तो चल के थोड़ी ना आएगा, उसको तो लाना पड़ेगा ना, उसी को भार बोलते हैं, उसी को बोझा। दाई में लेकर पाके कहो जात रही अदे लेकर हमर बोझे बोझे काबर करते वो के लेकर थे ते कर ले जे वो के लिख क्यों करना बोझा के बोझा मैं नहीं बोझा तो तू हो जी जिसको हम उठा के ले जा रहे हैं घरों के ले जा रहे हैं। हमें यज्ञ करना है और यज्ञ में आप आश्चर्य हो जाएंगे कि पुरेतिर न कर्मति बंधा अभेद पुराण सूर्य दिकर निंदा। ऐसा नहीं जो प्रवृत्ति कर्म करते हैं पिंडा का मर गया तो दान, जी गया तो दान, ग्रह का दान, बाधा का दान। एक पंडित जी को मैंने देखा किसी यजमान को 7.5 ही लग गए तो 7.5 ही पूरे गए रहे पंडित जी है तो दक्षिणा के वे रईस ने तो ऐसे 1100 निकाले कस करे यजमान है और कर रही से कि 5000 कम नहीं दे बड़का यजमान है और ऐसे हेरे कस करे सदैव तारीस पंडित जी दक्षिणा बात न लियो काबर अरे मैं भुला के रह गई। तब पंडित टूट के गई सब मुंडा हो गया मुड़ मुड़ा के आ गए तो कहीं कैसे महाराज मुड़ काबर मुड़ा ना रहा अरे सनी है तोर ले उतर के मुड़ मुड़ में बैठ गए रही ते ते मुड़ मुड़ वहां होते ते उतरी से अब जैसे मान ढा रहा गई अब मुआ मैं तो मुंडा हो गया समंदर के पारंगत रावण और शाम वेद के सातों स्वर के जानकार नारद। नारद जी जैसा सामवेद के सातों स्वर के जानकार न हुआ है न कोई होगा। रावण जैसे ही ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता भगवान राम जी लखन लाल जी को खुद ही भेजी के जाओ ब्रह्मा जी अगर मृत्यु लिखिए पर भुला गए रावण के अन्यत्र रामायण बहुत है ना अध्यात्म रामायण है आनंद रामायण है राम सुधा रस रामायण है मुसुल जी रामायण है वाल्मीकि रामायण है महाराम बहुत रामायण है बहुत अन्यत्र रामायणों में एक वर्णन आता है कि कितने ज्योतिष के जानकार थे रावण। भगवान जी ने कहा लखनलाली कम कर तो सीधा जा अंदर अब पंडित रावण से मिलना महाराज रावण से दुष्ट रावण से नहीं त्रिलोक विजयी रावण से नहीं दशानन से नहीं विद्वान रावण ज्ञानी रावण से जाके मिल और उनसे ये पूछ लागी कि दुष्ट रावण की मृत्यु कब और कैसे होगी पूजा पूछ के। लखनलाल जी अगरबत्ती नरियर धर के गई द्वारपाल वाले की मोड़ महाराज कर मिले बर है ज्योतिष दिखाए आ रहे हो तो कौन महाराज कर रहे कहीं रावण महाराज करा युद्ध चल रहे हो जाए दिन वाले खबर पहुंच एक बार राधे राधे कहो जय जय श्री राधे। हो गया पूजा हो गया बैठो 2 मिनट तो आपको रुकना चाहिए राधे राधे कहो एक बार बंधन सबके लिए है ना ऐसा नहीं कि घर वालों के लिए छूट जाए। हाँ एक बार राधे राधे कहो आप जाके जय जय श्री हाँ मेरी कथा में ध्यान बिल्कुल रखना बैठो अभी जय जय श्री राधे। बलियाचल पर्वत के नीचे जो तलहटी जहाँ कनेरों का बगीचा है जहाँ अग्नि देवता वरुण देवता इंद्र जी सब आकर के जिस वन में तपस्या करते हैं उसी के ऊपर सिंह करते हैं। उन्होंने नीचे देखा कि भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और अपने दाहिने जगन्नाथ में मातेश्वरी पार्वती को बिठाए हुए और धर्म की सभा चल रही है ना सारे ऋषि मुनि साधु संत सब बैठे हुए और उसी बीच में बैठ करके
ये अपने जंगला में माता शिव पार्वती को बिठाया हुआ है, इनको अच्छा लगा नहीं ऊपर से देखी, अरे कैसे भगवान है, धर्म की सभा चल रही है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और ये अपनी जंगला में अपनी पत्नी को बिठाए हुए है। अब ऊपर से देखते देखते नीचे है और विमान नीचे उतर, अब उतर के जाके देखे तो जो ऊपर से देख रहे थे वही दृश्य नीचे भी था। ये जोर से हंसा, जोर से और जोर से हंसा, अरे वाह बार भगवान के, ऐसे भगवान होता है क्या कि पुरुषों की सभा लगी हुई है जिसमें भगवान यहाँ पे स्त्री अपनी पत्नी को अब जंगा में बिठाए हुए हैं। जोर से हंसा तो मातेश्वरी पहले तो लज्जित हुई, पहले मातेश्वरी लज्जित हुई, बाद में क्रोधित भी हुई। अब क्रोधित होकर के श्राप देती है कि तू राक्षसों की भांति हंसा है ना, जब तू राक्षस हो गया। तब भगवान भोलेनाथ जी मातेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए उस जंगल को ही श्राप दे दी थी कि आज के बाद इस जंगल में कोई भी पुरुष आएगा तो वो स्त्री हो जाएगी, जो हाथी आएगा वो हत्या हो जाएगी। ये श्राप भगवान भोलेनाथ दे देते हैं। तब ये भगवान भोलेनाथ जी के शरण गिर के रखे, अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते ऋणिसमया दासो मामिति समस्त परमेश्वर, भगवान मुझसे भूल हो गई क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूं, भगवान मुझे मुक्ति का कोई उपाय बताओ। कि त्वष्टा महाराज जब व्यक्त करेंगे तुलसी के बीज के वृद्धि से तू निकलेगा और अंदनी दधीची महाराज की हड्डी से बना हुआ अस्त्र से जहां तेरी मृत्यु होगी तो तुझे उस राक्षस की योनि से तू मुक्त हो जाएगा। ये वही वृद्धासुर है जिसकी कथा आप लोगों ने श्रवण किया, जिनके मुख में हाथी सहित इंद्र जी प्रवेश कर गए थे। ये वही चित्रकेतु महाराज है जो अब आगे की कथा में जो आपने श्रवण किया, इन्हें जाकर के वहीं पर मुक्ति मिल गई। और इस प्रकार से बाबा अजामिल महाराज जी की कथा श्रवण कराते हुए आगे नरकों का वर्णन है। गुरु जी देवी भागवत में 86 नरकों का वर्णन है, श्रीमद भागवत में 28 नरकों का वर्णन है, गरुड़ पुराण में 21 नरकों का वर्णन है। जो गरुड़ पुराण जो लोग सुने हैं उसमें 21 नरकों का वर्णन है। और गुरु जी नर्क क्या है, सत्कर्म से स्वर्ग मिलता है, अब दुष्कर्म से गलत कर्म से नर्क मिलता है, स्वर्ग नर्क। शरीर से जब प्राण निकलने लगती है ना चित्त, तो शरीर से प्राण निकलने के लिए 10 दरवाजा, दोनों नाक का कर्ण का नाग का फूल करके साथ है, उसका कारण वही है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को ही आप गौ देते हैं या कोई दान करते हैं वही दान, ऐसा नहीं, दान किसी को भी दीजिए, प्रगटे धर्म के चार पद कल यही एक प्रमाण, अजेन केन विधि जिन्हें दान करे कन्या, कोई भी प्रकार से दान दान होता है, बेटी को दीजिए, बहनी को दीजिए, भांजी को, भांजा को, अरीब को, गरीब को, किसी के चट्टी में, कोई भी प्रकार से दान आप करते हो दान दान ही होता है। इसी कारण गाय देने का बहुत ज्यादा रिवाज है, एक भांजा को दे दो, भांजी को दे दो, महाराज को दे दो, बेटी के दायजी में दे दो, दान तो दान है, अपने हाथ से जीवन में एक गौ का दान जरूर करना, जरूर अपने हाथ से, अपने हाथ से जो हम आप जो देते हैं वही हमें आप सबको मिलता है। तो यम का दूध पूछता है गो का दान तो नहीं किया, सभी जाना था बेतरणी नदी पार करे बार एक हम गौ दे दो, ऐसे कथन ना भले उस रास्ते से जाएं कि ना जाएं, लेकिन भाव तो है कि बैतरणी से पार होने के लिए गो का दान देना चाहिए या गौ का एक दान दे दो, लो हमारा मंत्र पढ़ दो बैतरणी नदी पार हुई बार, हम आप सब लोग बोलते हैं उसका वही भाव है। और वो जो जीवात्मा जिसको पकड़ करके रखा हुआ है जो यम के दूध, कभी वो कहता है मैंने कभी नहीं किया, कभी नीचे कभी ऊपर, वही खून पीप के नदी में उसको ले जाके गिराते हैं, भूख लगता है तो सरे गले मांस, प्यास लगता है तो ही पीप को पीता है, खून और पीप को, इस प्रकार से नाना प्रकार का कष्ट पाता हुआ, कभी अग्नि का बरसा है, कभी बर्फ से 100 गुना ज्यादा।